हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टेरेरियम के बारे में, जो खुद एक इकोसिस्टम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सब टूल्स मैंने यूज़ किए थे। ये है एक कांच का कंटेनर जिसको मैंने ख़रीदा था नज़दीक की शॉप से, और ये सब प्लांट है जो टाइप ऑफ एक सकुलेंट है। सो आप देख सकते हो, ये है डिफरेंट कलर के पेबल्स जिसे मैं यूज़ करूँगा, और ये है गार्डन सॉइल, और ये है आप देख सकते हो वर्मी कॉम्पोस्ट और कोकोपीट। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या लेयर बनाना पड़ता है, और लेयर के लिए हम पेबल्स को यूज़ करेंगे जो डिफरेंट कलर के होते हैं। तो वन बाय वन उसे हम कांच के कंटेनर में स्लोली स्लोली उसको रखते जाएंगे। ब्लैक एंड वाइट या फिर बहुत अलग अलग तरीके से मिलते हैं, तो आप ख़रीद सकते हो नज़दीक के शॉप से या फिर जहाँ पर आप रहते हो। ये देखिए मैं रख रहा हूँ, इसमें स्मॉल बिग बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। और ये एक क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से, मतलब इसमें जब आप प्लांट को ग्रो करेंगे तो क्या होता है, पानी उसमें जब आप डालोगे तो वही पानी इवोपरेट होके ऊपर के ग्लास के वॉल पे लग जाएंगे, और जो कंडेंस होके एक बूंद हो जाएगी, और वही बूंद खुद प्लांट पे रूट्स को मिलेंगी। और इसी की तरीके से इकोसिस्टम चलता है, और उसमें क्या पानी का सर्कुलेशन बना रहता है, और आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती। जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ड्राई होता है वंस इन अ वीक या फोर फाइव डेज इन अ वीक, यू कैन स्प्रे द वाटर इन साइड इट। तो ये एक सॉलिड बेस का एक मैं पहला लेयर बना रहा हूँ, जो मेरे पास टेबल्स थे जो मैंने ख़रीदे थे ब्लैक एंड वाइट कलर के, तो वही है एक। और ये देखने में बहुत ही अच्छा है, जिसको ये टेरेरियम आप अपने घर में कहाँ पर भी मेज पे या फिर टेबल पे या फिर कहाँ पर भी रख सकते हो। इट्स लुक ऑसम। तो ये एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट है, मैं खुद भी पहली बार कर रहा हूँ, एंड आई गॉट द सक्सेस। तो ये स्मॉल एक स्मॉल टेबल्स इसके बीच में मैं रख रहा हूँ, क्योंकि क्या जो बीच में गैप रहती है तो वो उसकी वजह से वो भर जाएंगी। तो जब हम पानी डालेंगे तो पानी एक इसके अंदर तुरंत ना चला जाए, तो इसकी वजह से स्मॉल टेबल्स, या फिर आप एक रेत भी डाल सकते हो, और उसके ऊपर फिर हम दूसरा एक लेयर बनाएंगे मिट्टी का, जो गार्डन कर देते हैं। ये देखिए मैं डाल रहा हूँ, और एक आप क्या छानी हुई बालू जो होती है जहाँ पे आप नज़दीक जहाँ पे रहते हो, वहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम चलता हो तो वहाँ पे भी थोड़ी रेत ला के उसमें डाल सकते हो। देखिए, ये मैंने फ़िश एक्वेरियम के यहाँ से ख़रीदी थी, ये एक स्पेशली फ़िश की रेत होती है, तो ये मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो जी, अगर गैप भर जाएगा तो एक सॉलिड बेस और सॉलिड रॉक बन जाएगा। तो जब हम प्लांट को उसके अंदर ग्रो करेंगे तो एक अच्छी तरीके से वो बेस पे टिका रहेगा। तो ये यही एक उसका प्रोसेस है, और थोड़ा सा मैं टैप कर रहा हूँ जिससे की तरीके से अगर जहाँ पे गैप हो वो तो अच्छी तरीके से बैठ जाए। ये देखिए, देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इट्स लुक्स वेरी नाइस एंड फ्रॉम द बॉटम साइड एज वेल। और उसके बाद मैं एक ये देखिए जो मैंने यूज़ किया था गार्डन सॉइल, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। गार्डन सॉइल भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी इसको, और ये एक मॉस्किटो आपका जो नेट है वो आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर होल अगर हो तो बहुत अच्छा है, अगर होल ना हो तो थोड़ा खुद मैन्युअली आप उसमें गिरा दीजिए, और इसके ऊपर एक अपने कंटेनर की शेप के हिसाब से उसको काट के फिर इसके ऊपर रख दीजिए थोड़े से अच्छे से स्लोली, बिकॉज इट्स टेक टाइम, इट्स नॉट ईजी लाइक टू डू इन लाइक यू नो वेरी हरी। सो अब ये मैंने रख दिया है, अब ये इसके ऊपर मैं एक लेयर बनाऊंगा जो गार्डन सॉइल है, और ये जो लेयर होता है वो तकरीबन आप एक इंच का बना दीजिए। तो एक इंच का इसीलिए बनाना पड़ता है क्योंकि जब आप प्लांट को ग्रो करोगे तो उसके रूट्स हो है, तो एटलीस्ट उसके अंदर थोड़े ग्रो हो। ये ऐसा भी ना हो कि हाफ इंच के लेस देन हाफ इंच ऐसा आप ग्रो उसका लेयर बनाएं, थोड़ा सा लेयर तो आपको बनाना ही पड़ेगा। देखिए, वो जो मॉस्किटो टैप है उसी की वजह से उसके बीच में एक लेयर बन जाता है, तो ये जो सॉइल है वो इसके अंदर नहीं चली जाएगी। सो यही एक लगाने का तरीका भी है, एक इंच का लेयर आप तकरीबन बना दीजिए। और ये प्लांट ऐसे आप चूज़ कीजिए कि जिसके रूट्स ज़्यादा अंदर ना जाते हो, इसीलिए मैंने सकुलेंट सब वैरायटी यूज़ की थी, जिसमें जेट प्लांट और बहुत सारी टाइप आती है।
तो इसकी वजह से वो अच्छे से ग्रो भी होंगे और उसका डेवलप भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपने ज़्यादा वो रूट्स अच्छे ग्रो करने वाले प्लांट लिए तो वो फिर अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि उसका जो लेयर है वो एक इंच या डेढ़ इंच का भी रहता है। और इट्स डिपेंड ऑन योर शेप एंड साइज ऑफ योर कंटेनर एज वेल। इफ़ यू गेट दैट यू नो अ बिगर वन, सो यू कैन मेक थोड़ा ज़्यादा वाला लेयर बना सकते हो। तो मैंने ये तकरीबन एक इंच से ऊपर ही हो गया बनाओ, थोड़ा अच्छे से टैप करके। सो बेसिकली क्या, इसमें स्लो ग्रो करने वाला प्लांट चाहिए। और ये एक चीज़ ऐसी है कि ये देखने में बहुत अच्छा है। और चलो मैं अब ये हो गया, मैं थोड़ा पानी से स्प्रे कर देता हूँ। अगर पानी से स्प्रे करूँगा तो मिट्टी गीली हो जाएगी, तो मिट्टी गीली होने से आसानी ये होगी मुझे कि प्लांट को अच्छे से उसके रूट्स को अंदर मैं डाल पाऊँगा। तो थोड़ा स्प्रे कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा भी स्प्रे मत कीजिए क्योंकि ज़्यादा स्प्रे करने से पानी नीचे पत्थर तक चले ना जाए। और वैसे भी आप उसको देख सकते हो कि पानी अंदर चला जाए या चला गया है या नहीं गया है, तो आप देख सकते हो। और ये मैंने पानी स्प्रे कर दिया है, तो अभी स्लोली वन बाय वन मैं अलग अलग प्लांट को मैं उसमें ग्रो करूँगा। चलो पहले उसको क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि वो जो मैंने स्प्रे किया था तो अंदर की वॉल पे लग जाएगा। तो थोड़ा अच्छे से नैपकिन से मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। और ये जो इकोसिस्टम है ये सकुलेंट का, कि इसमें मेन चीज़ क्या होती है, उसको थोड़ा वेदर मॉइस्चर वाला रखिए। ये देखिए मैं आपको उठा के दिखा रहा हूँ बॉटम पे। सो मॉइस्चर वाला वेदर रखने से क्या होता है कि ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएंगे और उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये देखिए मैंने मनी प्लांट भी यूज़ किया था। चलो मैं उसको पहले उसमें अंदर डालूँगा। ये थोड़ा बड़ा है, मेरे हिसाब से उसको काटना पड़ेगा। चलो कटर से मैं थोड़ा काट ही लेता हूँ। और मनी प्लांट ऐसी चीज़ है, आप कहाँ से भी काटोगे और उसको आप अगर ग्रो करोगे तो ये हो ही जाएगा। और ये मनी प्लांट भी मेरे घर का ही है जो मैंने यूज़ किया है। बहुत अच्छी तरीके से स्लोली मुझे डालना पड़ेगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरा हाथ अंदर जा नहीं रहा। हाँ थोड़ा निकल भी जा रहा है, लेकिन मेरे को अच्छे से स्लोली उसके रूट्स को, नीचे के पार्ट को थोड़ा अंदर डालना पड़ेगा। यही एक है एक जो आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूम करने वाला ये प्रोजेक्ट है, लेकिन वंस यू गेट दैट इट विल बी वेरी नाइस। अब ये देखिए, ये भी एक सकुलेंट है, ये भी मेरे घर का ही है, मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा था, लेकिन वहाँ से फिर निकाल के मैंने ये करना चाहा कि मैंने एक इकोसिस्टम बनाता हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। हाँ तो ये भी मैंने अभी हाँ डाल दिया अच्छे से। और ये तीसरा है, वो भी काइंड ऑफ सकुलेंट ही है, मुझे सकुलेंट ज़्यादा पसंद है। ये एक जेट प्लांट है, वो भी उसी की वैरायटी है, ये भी थोड़ा बड़ा है। चलिए काट ही लेते उसको भी, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो आप अपने पौधे में, मतलब किसी भी पॉट में आप लगा दीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज प्लांट इज़ इट्स अ गुड थिंग्स गिवन बाय द नेचर, गिवन बाय द गॉड। ये अच्छे से, मतलब इसके अंदर की जो स्पेस है वो अच्छे से आप यूज़ कीजिए। ऐसा भी ना हो कि बहुत सारी स्पेस है तो और आप बहुत ज़्यादा उसमें पौधे लगाएंगे, ऐसा नहीं। अपने हिसाब से जगह देख के आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, वही तरीके से आपको पौधे लगाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से, मुझे भी जो मेरे कंटेनर मुझे अलाउ करता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। ये देखिए, क्योंकि मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी आई मेक इट। अब ये छोटा पीस है, इसको डेकोरेट भी कर सकते हो आप ऐसे देखना चाहिए तो, मतलब कुछ एक स्मॉल गणपति जी की मूर्ति या फिर कुछ वो भी। ये देखिए, अब ये दूसरा एक है मेरे पास बचा जो मैंने काटा था मनी प्लांट का, तो वो मैं लगा रहा हूँ। हाँ तो मैं ये आपको बता रहा था, डेकोरेट भी कर सकते हो, पेपर्स इसके अंदर रख सकते हो, लेकिन मेरा जो कंटेनर है वो मुझे आई डोंट थिंक सो कि इट्स अलाउ मीस टू पुट मोर पेबल्स इन साइड इट, सो आई जस्ट लीव इट लाइक दैट। और आगे मैं एक स्मॉल साइज टॉयज रखूँगा, और आप कुछ अलग भी रख सकते हो, मतलब टॉयज से, मतलब हाथी घोड़े का वो छोटे छोटे जो टॉयज़ की शॉप में मिलते हैं वो लेके इसके अंदर रख सकते हो। और पानी मतलब अपने हिसाब से, जैसा मैंने पहले बताया था वो हिसाब से डालिए, ज़्यादा भी पानी मत डालिए। ये देखिए अब तकरीबन हो गया है,
ये है एक मैं लगाना चाहता था, लेकिन ये देखो इसकी साइज़ इससे बहुत बड़ी है, उसको मैं ऊपर से नहीं काट सकता ना नीचे से, नीचे से काटूंगा तो ऑब्वियसली वो भूनेगा। चलो मैं पानी डाल देता हूँ, ऑब्वियसली पहले मैंने पानी डाला था लेकिन एक बार और एक डाल ही देते हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ गाइस एंड दिस इज़ माई न्यू एक्सपेरिमेंट। सो मैंने भी बहुत उसके बारे में रिसर्च किया था, इसके इकोसिस्टम्स के बारे में बहुत पढ़ा था, आर्टिकल्स रीड किए थे और मुझे थोड़ा नॉलेज हुआ, मैंने थोड़े क्लासेस भी किए, तो इसको मैंने क्लीन भी कर दिया। देखिए इट लुक्स ऑसम, सो आई कैन पुट इट एनी वेयर इन माई इन साइड माई हाउस इन माई रूम एज वेल। इट्स ऑसम आई एम टेलिंग, इफ यू गाइज डू दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट एट योर होम इट मेक्स यू फील वेरी गुड। देखिए है ना, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, मतलब अलग अलग प्लांट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे कोलांचो प्लांट होता है, वो भी एक स्मॉल ग्रो करने वाला प्लांट है जिसके रूट्स ज़्यादा अंदर नहीं जाते और सॉइल मीडिया में फर्टिलाइज़र में और कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये मैं रख रहा हूँ, थैंक यू।